चोट लग गई? पता नहीं अचानक पैर में दर्द कैसे उठ गया। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा खेलिए कूदिए मत। लग गई ना पैर में चोट, हमें देखने दीजिए। ओए जूनियर डॉक्टर, डोंट वरी, मैं अभी भी सीनियर डॉक्टर ही हूँ। अरे क्रैम्प वैम्प आ गया होगा, तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, रिलैक्स। हमारी बात तो कभी मानते नहीं है। हम जो कहते ना हमेशा आपकी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन आप है कि हमारी बात कभी भी नहीं मानते। चलिए अब जाके सो जाइए, आइए। ओके दादी मैं। आइए। दादी यहाँ क्या कर रही? अपने रूम में क्यों नहीं गई? हमें पायल ढूंढनी ही होगी, कहीं कहीं होनी चाहिए। कहाँ चली गई? दादी मिल क्या नहीं रही? दादी हा? क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रही हैं? तुम्हारी पायल, तुम्हारी दूसरी पायल कहाँ है? शायद पायल के नीचे काटा होगा। एक मिनट, पता नहीं, हमें एहसास ही नहीं हुआ, यहीं कहीं होगी। दादी वो डॉक्टर शिव ने ना दवाई लगाते वक्त उतार दी थी, हम ढूंढ लेंगे। आप जाइए कमरे में आराम। अरे ऐसे कैसे आराम कर ले जाकर, ये अच्छा संकेत नहीं है। पूरा हॉल छान मारा, कहीं पायल नहीं मिली हमें। दादी इसमें टेंशन वाली क्या बात है, एक पायल ही तो है, हम ढूंढ लेंगे। आप प्लीज जाके आराम। नहीं शक्ति। अरे क्या हुआ दादी, पायल ही तो है। वो सिर्फ पायल नहीं है बेटा, वो तुम्हारे सुहाग की निशानी है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। पायल का गुम जाना अच्छा शगुन नहीं है, बहुत बड़ा अपशगुन है ये। अगर यहीं कहीं गिरी है तो मिल जानी चाहिए। कहाँ गई होगी? दादी सुनिए सुनिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम और सुंदरी दीदी मिलके ढूंढ लेंगे। आप प्लीज जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। चलिए बेटा जिद मत कर, पायल जब तक नहीं मिल जाती हम आराम नहीं कर पाएंगे। हमें उसे ढूंढना ही होगा। तू ठीक है बेटा? हाँ दादी मैं ठीक हूँ, आपका सुपर हीरो जो, आप ठीक हो ना? भोलेनाथ जी आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारा शिव ठीक है, पर पायल कहाँ गई, कहाँ चली गई पता नहीं है, मिल क्यों नहीं रही पायल? दादी मामूली से पायल को लेकर इतनी टेंशन में क्यों लग रही है?